again. Redskins. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और परसेंटेज बूस्टर की इकोनॉमिक्स की ये पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो 100% पेपर में आने वाला है। क्या लिखना है, कैसे करना है और क्या है क्वेश्चन, कुछ कुछ बोर्ड पर देख के समझ में आ रहा होगा। बोर्ड थोड़ा शाइन कर रहा है, आई एम सॉरी फॉर इट, लेकिन देखने की पूरी पूरी कोशिश करें। तो भाई क्या क्वेश्चन होने वाला है? पहला क्वेश्चन आएगा आपका एडी एंड एएस अप्रोच। ये थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर का है। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पूरे 12 नंबर के आने की उम्मीद है। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चों के स्कूल में माइक्रो मैक्रो क्लब करके दे दिया गया है, लेकिन माइक्रो अलग आएगा, मैक्रो अलग आएगा। हो सकता है जो यूनिट्स पहले अलग अलग आती थी वो जंबल्ड होकर आ जाए। जैसे थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट अलग आता था, नेशनल इनकम अलग आता था, मनी बैंकिंग अलग आता था, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग आता था, लेकिन हो सकता है इस साल इसमें जंबल्ड अप करके दे दें। लेकिन माइक्रो का मैक्रो में नहीं देंगे, मैक्रो का माइक्रो में नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। एडी एएस अप्रोच बता दो, एस एंड आई अप्रोच बता दो, इसमें से एक क्वेश्चन तो आने वाला है। मैं आपको क्या बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसका डायग्राम कैसे बनेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और क्या लिखना है आपको इस पर्टिकुलर आंसर में जब ये क्वेश्चन आएगा स्कूल में। ठीक है कि नहीं, स्कूल में मतलब बोर्ड में। और साथ में कोशिश करूंगा इसके नोट्स भी आपको मिलते रहे। कोशिश क्या करूंगा, 100% आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे। नोट्स और कहाँ मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट कर लो, काय को वेट कर रहे हो भाई। और तो चलो शुरू करते हैं। एडी एएस अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच क्या था, डायग्राम बना के बता रहा हूँ। बच्चा लोग बहुत ध्यान से डायग्राम देखेंगे और कोशिश करें साथ साथ मेरे बना लें तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना भाई, ये एक्स एक्सिस, ये जीरो, ये वाई एक्सिस। यहां पर आता है इनकम ऑब्लिक आउटपुट और यहां पर आता है डिजायर्ड या प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे भाई, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलिए डायग्राम कैसे बनाना है। ये जो आपकी इनकम की लाइन बनती है ना, जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोल देते हैं, ये बनती है 45 डिग्रीज पर। 45 डिग्रीज पर क्यों बनती है, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है ना, तो अभी उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, और ये है इन्वेस्टमेंट, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बिकॉज इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंटली है हम लोगों ने। ये कंजम्पशन की लाइन है और इसके ऊपर ये है एग्रीगेट डिमांड की लाइन। इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी लिखा है आपके किताब में, आप इसको एग्रीगेट डिमांड भी ले सकते हैं, ब्रैकेट में C+I लिखना जरूरी है। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड कट करेगा एग्रीगेट सप्लाई को, वो हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल। क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल। इसको मान लिया Y0। तो यहां पर समझाओगे क्या, यहां पर समझाओगे क्या, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आई होप सबको मिलेगा। इक्विलिब्रियम कहां पर है, इक्विलिब्रियम है OY0 लेवल पर। किस लेवल पर? OY0 लेवल पर। ठीक है, और किस पॉइंट से शो किया है, पॉइंट E से शो किया है। जहां पर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर AD और AS बराबर होता है वही इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, क्लियर है ना। अच्छा, अब इसके आगे की सिचुएशन देख लेते हैं, इसके पीछे की सिचुएशन देख लेते हैं, आंसर क्लियर हो जाएगा। इसके आगे की सिचुएशन ये, इसके पीछे की सिचुएशन ये, आइए देख लेते हैं। इसके आगे की सिचुएशन को हम लोगों ने मार्क करके दिखाया Y1 से, इसके पीछे वाली सिचुएशन Y मार्क करके दिखाया Y2 से। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है और वीडियो की लेंथ 5 मिनट 8 मिनट से भी कम बनानी है। तो चलो भाई देखते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है, जल्दी से इसको मार्क भी कर लेते हैं। ये पॉइंट है ए बी, ए से मार्क किया, इस पॉइंट को बी से मार्क कर लिया, आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, जी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है। यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। और सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, यहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये बता रहा है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। आइए समझने की बात क्या है, यहां पर समझना क्या है हमें भाई, देखो क्या होगा। अब यहां पर आपने इक्विलिब्रियम बता दिया, अब आपको दो पॉइंट के एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। क्या बताओगे, OY2 पर क्या होता है, OY1 पर क्या होता है, OY2 पर क्या, इस पॉइंट पर क्या है, AD more than AS, इस वाले पॉइंट पर क्या है, AS more than AD। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। अगर AD more than AS होगा
मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर। तो यहां पर क्या लिखोगे, प्रोड्यूसर कीवर्ड है, प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर सो दैट जो आपकी डिजायर डिमांड है उसको फुलफिल कर लिया जाए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। इस पॉइंट पर क्या करता है, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो OY2 से शिफ्ट होकर कहां तक प्रोड्यूस करेगा, OY0 तक आ जाए, तब तक प्रोडक्शन वो करता रहेगा ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए। OY1 पर क्या होता है, OY1 में क्या है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, मतलब मार्केट में सामान ज्यादा पड़ा हुआ है, लोग ले नहीं रहे, तो क्या करेंगे भाई इस समय पर, क्या करेंगे भाई, प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस लेस, प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस लेस, प्रोड्यूसर्स को बहुत कम प्रोडक्शन करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए प्रोडक्शन, तब तक बंद कर देना चाहिए जब तक OY1 से OY0 तक ना आ जाए। आपके एक्सप्लेनेशन में ये तीन पॉइंट अगर नहीं हुए तो नंबर नहीं मिलेंगे, एकदम क्रिस्टल क्रिस्प ये तीन पॉइंट मिलने ही चाहिए, और इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना पॉइंट तो मेरे कीवर्ड तो लिख ही देना आपको। अच्छा, अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो डायग्राम का मार्किंग होगी 3 नंबर, एक्सप्लेनेशन की मार्किंग होगी 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में तीनों पॉइंट लिखवा दिए हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा और भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो थोड़ा थोड़ा और क्या है नोट्स में मिल रहा है, परेशान मत हो, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और इसी का दूसरा भाई हमें पढ़ना है, वो क्या है, वो क्या है, वो है हमारा एस एंड आई अप्रोच। एस एंड आई अप्रोच मैं यहां बना के दिखा दूं, इसको रब कर देता हूं, इसके बगल में ही बना देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। तो आओ इधर बनाते हैं एस एंड आई अप्रोच, आपकी बुक में एक ही डायग्राम में एक्सटेंड करके बनाया हुआ है, आप अलग अलग बनाना, ADAS पूछेंगे तो ADAS बना के आना, S&I पूछेंगे तो S&I बना के आना, सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। चलो भाई S&I भी देख लेते हैं, डायग्राम में क्या है S&I के, आई होप सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। यहां पर है इनकम ऑब्लिक आउटपुट, इनकम ऑब्लिक आउटपुट, और यहां पर है डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना भाई, डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये नहीं लिख कर आओगे हाथ काट देंगे, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब जितने बच्चे मेरे से क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा ये हाथ काटने वाली बात क्या है, ये डायलॉग है हमारा चलता रहता है। चलो भाई डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो भाई ये है आई, आई बोले तो इन्वेस्टमेंट, और सेविंग नेगेटिव से शुरू होती है, ये है सेविंग, ठीक है ना। अब भाई देखो इस जगह पर सेविंग क्या हो जाएगी, इस जगह पर सेविंग जीरो हो जाएगी, और जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट कर रहा है उसको दिखाएंगे वाई जीरो से, बिकॉज वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको आपने मार्क कर दिया ई से। तो इक्विलिब्रियम कहां है, यहां पर ओ वाई जीरो पर, ठीक है, और किससे डिनोट किया है हमने इसको, ई से डिनोट किया है। इक्विलिब्रियम क्यों है यहां पर, बिकॉज एस इज इक्वल टू आई है, एस इक्वल टू आई मतलब सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके अगले वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट आओ देखते हैं बच्चा लोग, ये वाला पॉइंट है वाई वन, इसको डिनोट किया हम लोगों ने ए और बी से। इसके एक पिछला पॉइंट मार्क कर लेते हैं, वो है वाई टू, इसको डिनोट कर दिया बच्चा लोग जी और एच से, ठीक है ना। आइए समझते हैं ये है क्या, ये क्या है भाई, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, और ये वाला पॉइंट क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। अब बात समझा, सेविंग और इज मोर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है जो यहां वाला होता है। सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, मतलब मार्केट में डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे ओ वाई वन पर क्या होगा, ओ वाई वन पर क्या है भाई, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट है, और यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस लेस, जो मैंने यहां सिखाया था, लिख नहीं रहा हूं, समझ में आ गई है बात, क्लियर है। कब तक प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, जब तक ओ वाई वन से ओ वाई जीरो तक ना आ जाए, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ओ वाई टू पर देखते हैं क्या है, OY2 पर क्या भाई, OY2 पर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग है। इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग का मतलब क्या हुआ भाई लोग, कि लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, AD इज मोर देन AS, ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन, AD इज मोर देन AS मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, उस केस में प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर सो एज टू रीच इक्विलिब्रियम। कब तक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, Y2 से जब तक Y0 तक
ना आ जाएं। तो यहां पर भी आपको ये तीन पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तीन नंबर का डायग्राम, तीन नंबर का एक्सप्लेनेशन, छह नंबर आपके प्रिपेयर हो गए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपके छह नंबर कोई नहीं छीन सकता आपसे अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन हो जाए। अब आपको काम क्या करना है, आपको ये डायग्राम बनाया, होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत सिंपल होमवर्क दे रहा हूँ भाई। आपने ये डायग्राम बनाया, आप इसका डायग्राम और इसका आंसर अपनी तरफ से लिखो, इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट करो या पोस्ट डालो और टैग करो मुझे और ऑब्सेशन इंस्टीट्यूट को। मैं देखूंगा आपका टैग, मैं देखूंगा आपका पोस्ट और वहां पर कमेंट करके बताऊंगा कि वो आंसर अगर तुमने लिखा है उस पर पूरे पूरे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, अगला वीडियो आने वाला है कल। सो स्टे ट्यून्ड, दिस वॉज शुभम जितीश साइनिंग ऑफ।